Good morning, dear friends. Once again, today we will continue with our moving charges and magnetism. Last lecture, we have studied up to the point of moving coil galvanometer and conversion into ammeter and voltmeter, overall theory and the things, whatever formulae are there, everything we have discussed yesterday. तो अभी धीरे धीरे उसके बाद हमने सोलेनॉइड भी सीखा है. What to do for a solenoid, how to calculate the magnetic field, of course the direction. तो आज थोड़ा उसका magnitude निकालने के लिए हम try करते हैं. तो first of all, we will try to get the derivation for magnetic field due to a solenoid. उसके बाद में एक rule आएगा, एक law आएगा, that will be your Ampere's circuital law. और Ampere's circuital law को use करने के बाद हम फिर से different cases के लिए हम सोलेनॉइड का स्टडी करेंगे और कैसा क्या आता है वो देख लेंगे. ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? सो स्टार्ट, टुडे वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड. This is without using Ampere's circuital law. तो समझो अपना एक सोलेनॉइड है, एक किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे मैंने क्या किया, वायर को वाउंड किया है, तो ऐसा दिखेगा. ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया, नहीं तो यहां से एकदम पूरा उसको डट किया जाता है. अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करंट ऐसे जा रहा है ना, देखो अभी कल जैसे किया था, ऐसे करंट जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा. और करंट ऐसे जा रहा है मतलब उल्टा, यहाँ से ऐसे आ रहा है अगर, तो हम क्या ले लेंगे, हम ऐसे निकालेंगे उसको एंड वी विल हैव आवर मैग्नेटिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन. सो वी विल कंसिडर दैट डायरेक्शन. सो सपोज करो कि करंट ऐसे आ रहा है, मतलब अगर मैंने उसका एक सेक्शन निकाला, इफ आई टेक द लैटरल सेक्शन, उसको कट कर दिया मैंने, इसको यहाँ से अगर कट कर दिया तो मुझे लैटरल सेक्शन मिलेगा. और वो सेक्शन कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा कमिंग आउट, ये डिरेक्शन ऑफ करंट है, और यहाँ मिल जाएगा गोइंग इन. तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ऐसे वाला है. तो थोड़ा वीडियो को पॉज करते करते देखा तो भी चलेगा, बिकॉज दैट वन इज नॉट दैट मच ऑफ इजी, बट इट इज नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट ऑल्सो. एक बार आपने देख लिया तो हो सकता है. तो मैंने क्या बोला है, करंट ऐसे आ रहा है सोलेनॉइड पे. सोलेनॉइड का मैंने वाइंड कैसे लिया है, रेगुलर वाइंड लिया ऐसा, लेकिन करंट वहां से आ रहा है तो ये करंट ऐसे जाएगा, मतलब मेरे को करंट ऐसे मिलेगा. तो आपके सामने देखा मेरे को तो ये ऐसे में, सो इफ इट इज लाइक दैट इट इज गोइंग इन, सो हियर इफ इट इज लाइक दैट इट इज गोइंग एट द राइट साइड. तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहीं तो भी राइट साइड पे रहेगा, दैट इज द थिंग विच वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडी. तो अभी देखते हैं क्या होता है. थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, एकदम बीच में उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, अभी मिडवे लेता हूँ, मतलब वो जो हमने कंडक्टिंग जो लिया है जिसके ऊपर हमने सोलेनॉइड को वाइंड किया है, उसका मिडवे लेते हैं और इसका सेंटर लेते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड. नाउ From this, at a distance x, I will take one element. उसको बोलेंगे dx. क्या बोलेंगे? dx. ऐसा. ये डिस्टेंस x लेते हैं. एकदम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उसको. एंगल कितना किया उसने? थीटा किया है. ये क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड बन जाएगा. देखो ना, ये ऐसे बनेगा ना, वन टर्न,
वन टन कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये रेडियस दिखेगा। तो ऐसे ही मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया है, दैट एलिमेंट विल बी डी एक्स, तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा नंबर ऑफ टर्न आएगा अपना, इसका आर बनेगा और एक्स डिस्टेंस है, यहाँ पे मेरा ओरिजिन है। तो इस पॉइंट पे अगर मैंने देखा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा करंट ऐसे जा रहा है मतलब मेरे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जाने वाला है, तो इसको मैं आर बोलता हूँ। यहाँ पे मेरा एलिमेंट बन जाएगा, वो डीएल बोलते हैं ना, वो इधर लिखा हूँ। अभी ये इधर एक्स लिया है, इसलिए इसका डीएल, डीएल को मैंने किया डीएक्स किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई विल डू नाउ इज दैट, मैं इसके बाद में क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं उसका, एन। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है अपना, एन है। रेडियस कितना है, रेडियस है अपन का आर। करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है आई। ओके तो अभी अगर मैंने इसका कैलकुलेशन करना चाहिए मेरे को, तो मैं फर्स्ट आई विल कैलकुलेट डीबी। तो डीबी को निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। डीबी को निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट रेस टू 3/2। हो गया अपना, ओके। बट आवर एलिमेंट कंटेन्स एन टर्न्स, अगर उसको एन टर्न है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मी नॉट एन आई आर स्क्वेयर अपॉन टू इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट रेस टू 3/2। हो गया अभी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अभी इसमें क्या आता है, एक्स का जो वैल्यू है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां से मेरे को क्या मिलता है देखो, अगर ये थीटा बन गया, ये आर बन गया, ये एक्स बन गया, देन मेरे को मिलता है टैन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। तो मेरा एक्स कितना बन जाएगा, आर अपॉन टैन थीटा। अगर मेरा एक्स आर अपॉन टैन थीटा बन गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कॉट थीटा। बराबर, आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, और यहाँ पे एन टर्न है, तो अगर मैंने आई को करंट पर यूनिट लेंथ बताया, कितना हो जाएगा, आई को मैंने बताया, आई हैव टेकन एज द करंट पर यूनिट लेंथ। ओके, सिंगल यूनिट लेंथ के लिए अगर करंट आई है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन पर यूनिट टर्न, तो एन आई डी एक्स बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, एन आई डी एक्स इंटू आर स्क्वायर, ये बन गया टोटल करंट। सो टोटल करंट लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू एन आई इंटू डी एक्स, डी एक्स इज द टोटल लेंथ। ओके, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, और I जो कुछ है आपका वो, तो ये बन गया मेरा टोटल करंट, एन आई डी एक्स। समझ गया बेटा? ओके, इट्स वेरी सिंपल, नो नीड टू बी। अब इसको क्या करते हैं, इसको लेके हम इसका भी डेरिवेशन बनाते हैं। तो मैं ये मैंने किया, तो अभी इधर करेंगे डिफरेंशिएटिंग एक्स, ओके, क्या मिलेगा, टी एक्स इज इक्वल टू आर, कॉट का क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आता है ना, इंटू डी थीटा। तो मेरा डी एक्स का वैल्यू कितना बन गया, डी एक्स का वैल्यू मिल गया मुझे माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो मिल गया, आई गॉट वैल्यू ऑफ एक्स
एंड आई वॉट आई गॉट वैल्यू ऑफ डी एक्स ऑल्सो. तो यहाँ पे वो वैल्यू में लिख के रखता हूँ. तो मेरे को x कितना मिल गया, x मिल गया r cot थीटा, और dx कितना मिला माइनस r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा. ये दो वैल्यू मिल गया. अभी अपन को क्या करना है, आई गॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेमेंट. सो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेमेंट. ये कितना बन गया, ये इसको मैंने यहां पे ऐसे किया. नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, वेर एवर माई एक्स विल बी देयर आई विल राइट ये, ओके आई विल राइट दिस. और वेर एवर माई डी एक्स इज देयर, वेर एवर माई डी एक्स इज देयर आई विल राइट दिस. तो अगर मेरा एक्स है तो एक्स की जगह मैं ये आर कॉट थीटा लिखूंगा. मेरा डी एक्स है तो डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाजू हटता हूँ, जस्ट टेक द स्नैपशॉट और बाद में अपने नोटबुक में लिख के रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओवर, ओके. नाउ विल गो फर्दर. अब इसको मैं हटा देता हूँ. ओके यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है, तो आपको कंसीडर करना है, कंसीडर सोलेनॉइड टू बी वेरी लॉन्ग. तो अभी क्या बन जाएगा, मैंने क्या कंसीडर किया है, ये लॉन्ग है, इसको कंसीडर करो लॉन्ग. ठीक से देखो बेटा, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम. कंसीडर द सोलेनॉइड टू बी लॉन्ग. तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से मैंने यहाँ गया तो एंगल कितना बना थीटा, यहाँ पे जाऊँगा तो थीटा विल डिक्रीज, ऐसे जाऊँगा. और लॉन्ग करते लिए, लॉन्ग करने के लिए एक बाजू मेरा आएगा थीटा वन, जीरो आएगा. और वैसे ही मैं इधर गया तो 90 आ गया, इधर गया 90 से ज़्यादा गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो मेरा थीटा टू कितना आएगा, पाई आएगा. समझ रहे हो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या किया, मेरे को लॉन्ग का निकालना है. तो ये जो थीटा बनाया था मैंने बीच में, उस थीटा को मैं क्या करूँगा, ये साइड और ये साइड. तो ये साइड मैंने कितना लिखा, जीरो, क्योंकि मैं अगर ये ऐसा लॉन्ग 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 कर लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा, तो मेरा थीटा नीचे आएगा. और वेरी लॉन्ग के लिए, जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, फाइनाइट इनफाइनाइट के लिए बताया था, द सेम वे वेन एवर आई विल गो लॉन्ग अ क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस, ये थीटा वन बन जाएगा जीरो. तो एक मैं थीटा वन ले लूंगा जीरो, और थीटा टू ले लूंगा, ये ऐसा जीरो था तो अभी ये ऐसा ऐसा, देखो इधर से दिखाता हूँ आपको, ये मेरा सोलेनॉइड है, ये लॉन्ग कंसिडर कर रहा हूँ इसको. अभी बीच में मैंने लिया, बीच में मैंने लिया, ये देखो एक सोलेनॉइड है, इसको ये थीटा बन गया मेरा, ओके. उधर और आगे जाऊँ थीटा कम होते जाएगा ना, और आगे जाऊँ थीटा कम होते जाएगा, और आगे जाऊँ थीटा कम होते जाएगा, एकदम एकदम आगे जाऊँ तो मेरा थीटा और भी कम होते जाएगा. तो एक चीज, एक पॉइंट आएगा, हाइपोथेटिकली नॉट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, मेरे को भी मालूम है. रेलवे ट्रैक भी कैसे देखते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग, लेकिन वो कैसे हमको दिखाई देते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए देखते हैं. ज्योमेट्री में आया होगा आपको ये, रेलवे ट्रैक पे देखा ना, दो पैरेलल होते ना, लेकिन बाद में दिखते वो मिल रहे हैं अपने एक दूसरे से. कभी मिलते हैं क्या दो आँख, कभी एक दूसरे से मिलते नहीं मिलते, रेलवे ट्रैक के दो रेल्स नहीं मिलते, लेकिन दिखाई देते हैं. ये तो हाइपोथेटिकली हम ऐसा कंसिडर करेंगे, इतना हम जब दूर जाएंगे तो मेरा थीटा क्या बन जाएगा, इधर जीरो बन जाएगा, इसके उल्टा पीछे 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 जाऊंगा तो पाई बन जाएगा. तो मतलब व्हाट इज द मीनिंग फ्रॉम जीरो टू पाई, सो वेर एवर आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट दिस वन, अगर मेरे को ये इंटीग्रेट करना है तो मेरे को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, जीरो से पाई तक करना पड़ेगा. ठीक है हम देखते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करके लेते हैं थीटा के टर्म में, वो पहले काम करते हैं. ओके सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, थीटा का लिमिटिंग वैल्यू क्या करोगे, थीटा वन ले लोगे जीरो, थीटा टू ले लोगे पाई. हो गया, नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट वन. तो मेरे को ये फॉर्मूला अभी इसको ठीक करना है.
आई वॉन्ट टू गो विथ दिस फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या लिखा है, तो डी बी लिखता हूं मैं. डी बी वी नॉट वैसे ही चलेगा एन आई. यहां पे dx है, dx की जगह क्या करोगे, माइनस r cosec square theta d theta, माइनस r cosec square theta d theta. तो यहां पे ले लूंगा मैं, इधर माइनस लेता हूं r, ये है हाँ dx की जगह, cosec square theta d theta, और ये बन गया r square. न्यूमरेटर बन गया मेरा, क्या क्या लिया मैंने, वी नॉट एन आई डी एक्स की जगह माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बाद में मेरा आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस ये आर कॉट थीटा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कितना आएगा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा. सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cot square theta, rest to 3 by 2, बन गया मेरा, बन गया, okay, तो इसको लिख के लो, और हम इसके आगे करते करते जाएंगे, तो अभी मेरा db क्या बन जाएगा बेटा, देखो, minus mu naught n i, ये r square, r cube, cosec square theta d theta, upon 2r square into 1 plus cot square theta bracket raised to 3 by 2. Okay, sin square plus cos square 1 आता है, 1 plus cot square, 1 plus cot square निकालने के लिए आपका कितना आता है, I think cosec square ही आता है ना, cosec square ही आता है I think, तो देख लो इसको. ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो भी आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा. तो अभी आप वो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, उतना ये जितना आप बोलते हो उतना ये नहीं है. कॉट कितने, ये देखो साइन को क्या लिखते हो आप, कोसेक, 1 बाय साइन कोसेक, कॉस को सेक, टैन को कॉट लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर को 1 बाय 10 स्क्वायर लिख सकते हो. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है ना, बाद में दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ना, तो आई थिंक टेन स्क्वायर आपका बन जाएगा टेन मतलब साइन अपॉन कॉस, हाँ दैट विल बी देयर. तो बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना आएगा, आई थिंक कोसेक स्क्वायर आएगा, है ना, देखा है ना आपने. तो अभी डी बी क्या करेंगे, माइनस म्यू नॉट एन आई आर क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टू आर स्क्वायर, यह कितना आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट रेस टू 3 बाई 2, मतलब इसका स्क्वायर का ब्रैकेट रेस टू 3 बाई 2, तो मतलब कितना हो जाएगा, आगे कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं. इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं. ओके, ब्लू से दिख रहा है. ओके, तो यहां पे क्या आएगा, अभी ये मेरा आएगा db इज इक्वल टू ये अभी माइनस म्यू नॉट एन आई आर क्यू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2r स्क्वायर, इसका स्क्वायर का ब्रैकेट रेस्ट 3 बाई 2, मतलब बन जाएगा कोसेक क्यूब थीटा. तो भी बेटा क्या बन जाएगा, देखो r क्यूब ने r स्क्वायर को काटा, बराबर r क्यूब ने r स्क्वायर को काटा, नहीं एक मिनट, यहां पे r स्क्वायर था ना और इसका था, तो ये भी बन जाएगा r क्यूब, सॉरी ये भी बन जाएगा ना, इसको बाहर निकाला मैंने, ऊपर बाहर क्या था 3 बाई 2 था, तो इसको भी 3 बाई 2 करना पड़ेगा ना मेरे को, आर गेटिंग माय पॉइंट, तो बाहर निकलते से वो क्यूब ही आएगा, तो आर क्यूब को काटेगा ही काटेगा, तो ये आर क्यूब नहीं, आर क्यूब को काटा, तो मेरा बन गया यहाँ पे आर क्यूब बन गया, यहाँ पे भी आर क्यूब बन गया, और उस आर क्यूब को इसने काटा. ओके, सो दैट्स ऑल. तो
तो हम आगे चलते हैं। अभी इसने इसको काटा, ये कोसेक स्क्वायर में से दो कोसेक स्क्वायर चला गया, एक कोसेक स्क्वायर चला गया, तो बीच में रहेगा कौन? कोसेक थीटा। अरे यार आज तो सब गिर रहा है। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? db इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई, आर क्यूब तो निकल गया, डी थीटा अपॉन टू कोसेक थीटा। अभी कोसेक थीटा कैसे आता है आपका? कोसेक थीटा कितना आता है? वन बाय साइन थीटा, है ना? ओके, वन बाय साइन थीटा इधर उल्टा डालते हैं, तो मेरा डीबी कितना बन गया बेटा? डीबी बन गया माइनस म्यू नॉट एन आई, कोसेक की जगह वन बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर आएगा, साइन थीटा डी थीटा अपॉन टू, ये बन जाएगा मेरा, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dx। तो ये मेरा क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dx बन गया। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में अपन को क्या करना है? इसके बाद में अपन को ये करना है, नाउ इंटीग्रेटिंग, ओके, फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, तो बी कितना मिलेगा मेरे को? इंटीग्रेशन डी बी। तो कैसे करेंगे? ये सब चीजें है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू, थीटा वन कितना? जीरो, थीटा टू पाई, माइनस, ये माइनस साइन अंदर निकाला मैंने, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो आपको मालूम है y इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना आता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेट किया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कॉस थीटा मिल जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा? कॉस थीटा आएगा। तो मेरा db कितना आएगा? b कितना आएगा? सॉरी, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू इंटू कॉस थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई, बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको एक बार आप नोट डाउन करके लो ठीक से, स्क्रीनशॉट निकालो, मैं बाजू होता हूँ, स्क्रीनशॉट निकालो, इसको नोट डाउन करके लो, इसके बाद हम आगे जाएंगे। हो गया बेटा? तो ठीक है, हम आगे जाते हैं। अभी क्या करना है आपको? आपको अभी लेना है, और अभी आपको फिर से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जो जो स्टेप है वो उसको पॉज करके आप देख सकते हो। अभी क्या कर दे, इसको आगे चलाते हैं। आगे चले तो कैसे मिलेगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। हाँ, यहाँ पे एक मिनट ना, इधर से इधर आ रहा है ना, ऐसा किया ना, तो यहां से यहां है ना, वन टू टू गए ना, तो यहां पे अपन को पाई इधर लेना पड़ेगा, सॉरी, और इधर जीरो लेना पड़ेगा। यहां से यहां चल रहे हैं, यहां से यहां चल रहे हैं, तो आपको कॉस लेना पड़ेगा, पहले पाई लेना पड़ेगा, बाद में जीरो लेना पड़ेगा। इधर जीरो ले लेंगे, कॉस जीरो लेंगे, बाद में पाई ले लेंगे, मतलब जीरो पहले आएगा और पाई मेरा बाद में आएगा। तो बी कितना पड़ेगा आपका? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू विल बी कॉस जीरो वन माइनस माइनस वन, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू इंटू टू, तो मेरा लास्टली क्या बन गया? म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, कहाँ पे? आउटसाइड, आउटसाइड मतलब पूरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर से मैं इसको एक बार कंक्लूड करता हूँ। आई हैव टेकन वन सोलेनॉइड having n number of turns. Now I have taken I to be current per unit length. तो एक मैंने element लिया dx नाम का, और मैंने क्या किया?
मैंने क्या किया, हाफ ऑफ द सोलेनोइड से एक्स इतने डिस्टेंस पे उसको प्लेस किया डी एक्स एलिमेंट को, ये बोलता हूँ इसको डी एक्स, और इस एलिमेंट जो कुछ है अपना उसके चलते करंट ऐसे आ रहा था ऐसे, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो मैंने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, इसको आर बोला, इसको एक्स बोला, इसको स्मॉल आर बोला, इसको थीटा बोला, एक्स का वैल्यू निकाला इन द टर्म ऑफ आर, वो निकला आर कॉट थीटा, डी एक्स का वैल्यू निकाला। बाद में मैंने अपना रेगुलर करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल का जो, क्योंकि ये जो अपना ये बनने वाला है इलेमेंट वो एक कॉइल की तरह ही बनेगा, एक थोड़ा सा टर्न होगा उसको सपोज, तो वो कॉइल की तरह बनेगा। तो कॉइल के एक्सिस के अलॉन्ग कौन से भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितना आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उतना उधर कैलकुलेट करके दिखा है। और बाद में ये सब पूरा कैलकुलेशन करके आई गॉट द आइडिया दैट माई मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सोलेनोइड इज कमिंग आउट टू बी म्यू नॉट एन आई, दिस इज वी आई एम पी, दिखने के लिए एकदम सिंपल लगता है, इट 100% कम्स फॉर बोर्ड एग्जाम, ये आपको लिख के रखना पड़ेगा, 100% कम्स फॉर बोर्ड एग्जाम, 100% पक्का आएगा, आंख बंद करके उसको करके रखियो। तो मैंने जो जो दिया है स्टेप, एक एक पार्ट ऑफ द वीडियो आप देखते चलो और वैसे वैसे अपना डेरिवेशन बनाते चलो। सो इन दिस वे वी हैव कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट आई, ये बन गया। ओके, आगे देखते हैं। अभी इसके बाद ये लिख लिया आपने, ठीक है, इसके बाद वी विल ट्राई टू गो फॉर द सेम वन, बट अभी हम उसको ऐसा डेरिवेशन करके अप्लाई नहीं करेंगे, डेरिवेशन करके अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी जगह हम यूज करेंगे एक लॉ, उसकी जगह हम यूज करेंगे एक लॉ, उसको बोलते हैं एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, उसको क्या बोलेंगे, ओके। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट enclosed by the loop, area of the loop बोलेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, line integral of magnetic field is always equal to, of course for a closed loop is always equal to the current enclosed by the total area of the current for the area enclosed by the loop. Okay, इसका statement कैसे बन जाता है, statement हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, the line integral of मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप ऑलवेज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट फॉर द area enclosed by the loop.
लाइन इंटीग्रल जो है अगर हम लेते हैं तो कैसे आता है, इट इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, टोटल करंट फॉर द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप. सो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर योर एम्पियर्स सर्किटल लॉ. ओके, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा लूप लेते हैं. एंड द लूप कंसिडर्ड इज ऑलवेज कॉल्ड एज एम्पेरियन लूप. जो हम लूप कंसिडर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप करते हैं. और अभी देखो, सपोज ये मेरा करंट है, ये मेरा करंट है, आई बोला इसको. तो कौन सी भी जगह पे मैंने एक एलिमेंट लिया, डीएल लिया, तो बेटा मैं डीएल कैसे दिखाऊंगा, आपको मालूम है डीएल में कैसे दिखाऊंगा. वेयर इज माय रेड पेन, रेड पेन, ओ वन मिनट, कैसे दिखाऊंगा मैं, ऐसे दिखाऊंगा, इसको बोलूंगा मैं डीएल. ओके, तो अभी ये जो है, ओके ये जो है डीएल मेरा कैसे है, यहां पे. तो अभी आई वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डीएल एंड बी. आई वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डीएल एंड बी, then and then only I will be able to find out the dot product. तो dot product कैसे आता है बेटा, dot product का मतलब है b dot dl, okay, integration close loop. इसका भी b को बाहर निकालता हूं और dl का integration l जाता हूं, तो simply अगर मैं लिखू b dot l, वो नॉन जीरो आने के लिए, नॉन जीरो आने के लिए बी शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू एल, बी शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू एल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बी शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू एल. तो कैसे करेंगे, कैसे वो लिखते हैं, दैट ऑल वी विल ट्राई टू रिकनसाइल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन दिस. नेक्स्ट पॉइंट, we will consider how to apply the Ampérian loop in case of the same solenoid, और again हम उसको calculate करके आपको बताएंगे. Okay, तो पहले इसको note down करो. So this you have taken down. अभी हम क्या करते हैं, now we will apply this law, don't worry, Ampere circuital law के ऊपर में, application के ऊपर. एक तो अभी करके दिखाने वाला हूँ derivation जो आपको theoretically है, लेकिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको आगे वाले लेक्चर में 100% बताऊंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पहले इसका यूज करके हम अपना कंडक्टर जो होता है उसके लिए हम ये डेरिवेशन पूरा करेंगे, और उसके लिए जो कुछ डिस्कशन करना है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस का, वो पूरा करेंगे. ये सब दे आर इंटर रिलेटेड बेटा, जो चीज है वो एक दूसरे से रिलेटेड है. जो मैंने आपको बताया था के कंडक्टर लिया आपने, देखो कंडक्टर लिया, ऐसा करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां ऐसे जाएगा ना, आप देखोगे ये आपको मालूम है सब. तो यहां से यहां जाओगे तो क्या होता है, बी गेट्स डिक्रीज्ड, बराबर है ना. लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, कंडक्टर को माइक्रो लेवल में जाके कंसिडर करना है, और इसमें ऐसा करंट जा रहा है,
कैसे जा रहा है, ऐसा करने जा रहा है। तो अभी यहां से यहां देखूंगा, ठीक है, मतलब मेरे को क्या करना है दिखाता हूं फिर से। जनरल में आप कैसे करते हो, जनरल में आप एक कंडक्टर लिया, सो फर्स्ट आई विल राइट द नेम फॉर दैट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सपोज आई हैव टेकन वन कंडक्टर, उसमें से सपोज आई करंट जा रहा है, कितना जा रहा है आई करंट जा रहा है ना, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसा घूमते फिरेगा ना, घूमते फिरेगा, कहीं पे भी मेरा लेंथ एलिमेंट ले सकता हूँ। तो पहले क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ आर, कितना बोलता हूँ आर, इसको बोलता हूँ सेंटर ओ, और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ आउटसाइड, और ये टोटल डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ आर, ये टोटल डिस्टेंस को बोलता हूँ आर। तो मेरा कितना पार्ट बन सकता है, केस वन आर लेस देन आर, केस टू क्या बन जाएगा आर इक्वल टू आर, केस थ्री क्या बन जाएगा आर ग्रेटर देन आर। इसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, किसके, कंडक्टर के, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द कंडक्टर ऑन द सरफेस। और ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। तो एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके हम ये कर सकते हैं, बराबर। तो हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ में क्या पढ़ाया था, बायोट सेवर्ट्स लॉ को यूज करके मैंने अगर करंट ऐसा है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, ये जाएगा। तो ये केस हमने क्या पढ़ा था, ये केस खाली हमने ये पढ़ा था, ये हमने ये पढ़ा था। तो अभी हम इसको थोड़ा बड़ा करके पूरा केस एकदम उसके सेंटर से आगे कंसीडर करें। तो यहां से इसको खाली मैंने ऐसे किया, ये दिखाने के लिए मैंने आपको ऐसे दिखाया, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसे भी दिखाता हूं आपको, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है फिर भी आपको बता देता हूं मैं दो मिनट में। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने करंट ऐसे निकाला है, ऐसे है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऊपर 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 चलते जाएगा। लेकिन इसको भी मैं कर सकता हूं ना, ये कंडक्टर पकड़ के इसके सेंटर में से। तो भी मैंने ये केस पहले किया था, मतलब कंडक्टर के आगे जो आर है वो मतलब आउटसाइड द सरफेस, मैंने ऑलरेडी बायोट सेवर्ट्स लॉ कैलकुलेट किया था। सो बायोट सेवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ, दे बोथ आर, बोथ गो हैंड्स इन हैंड। सो वी मे अप्लाई बायोट सेवर्ट्स लॉ एंड वी मे गेट द एम्पियर सर्किट लॉ, वी मे अप्लाई द एम्पियर सर्किट लॉ एंड वी मे गेट द बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्यों यूज करते हैं, मैकेनिकली आपको पूरा चीज डिराइव करना है, तो इस एम्पियर सर्किट लॉ का आपने यूज किया, देन यू विल गेट द थरो आइडिया अबाउट दैट कंसेप्ट। ओके, तो हम चलते हैं अभी क्या क्या करना है। सो बेटा अपन का फॉर्मूला क्या है, वॉट इज द फॉर्मूला, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, एकदम सिंपल है बेटा, सो केस वन आर लेस देन आर, मतलब इनसाइड। तो बेटा इनसाइड क्या बन जाएगा वो भी बताते हैं,
अप्लाइंग बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या मिलेगा आपको, अप्लाइंग बायोट सॉरी नॉट बायोट सॉरी वेरी सॉरी अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ वेरी सॉरी अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो बी बी इंटू इसको हटा दे, इसको डॉट डी एल लिया मतलब वो पैरेलल ही है. ये देखो ना लेंथ एलिमेंट मैंने ऐसे पकड़ा कौन सा भी, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है ऐसे सॉरी ऐसे निकाल दे उसको ऐसे सॉरी, तो ऐसे जा रहा है ना मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी हियर सेम एंड डी एल विल बी ऑल्सो सेम. सो डी एल विल बी पैरेलल टू बी, ऑलवेज कंसिडर कीप इन माइंड. सो इम्पॉर्टेंट क्या रखने का, ध्यान में रखने का इम्पॉर्टेंट ऑलवेज योर डी एल विल बी पैरेलल टू बी, ये इम्पॉर्टेंट है. तो एम्पियर सर्किट लॉ चूज करते समय ये आपको ध्यान में रखने पड़े, आपका लेंथ एलिमेंट जो लेने वाले हैं और आपका मैग्नेटिक फील्ड वो उसको पैरेलल पकड़ो मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो बी डी एल कॉस थीटा कॉस जीरो वन आएगा तो बी डी एल आपका मिल जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है. रिगेटिंग में पॉइंट, तो अभी इसको करते हैं. डी एल का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, डी एल का इंटीग्रेशन इतना, इसका सरकमफेरेंस कितना आता है, टू पाई आर इज इक्वल टू मे नॉट आर, समझ गए. और आर क्या लेने का, आर लेने का, तो आपका बी कितना मिल गया, मे नॉट आई अपॉन टू पाई आर, समझ गए. आर गेटिंग में पॉइंट, समझ गया क्या. तो भी इसको अगर R इक्वल टू R लिखा मैंने तो क्या बन जाएगा, एक काम करता हूं, नहीं नहीं ये R ग्रेटर देन R को है सॉरी, क्योंकि R के लिए देखो ना अगर मैंने R लेस देन R लिखा तो पूरा करंट मिलेगा क्या मेरे को, नहीं, कंडक्टर में से कुछ तो छोटा पार्ट ले लूंगा ना. देखो अभी अगर मेरा ये R बनता है और मेरा R अगर मैं छोटा लेता हूं तो इसी पार्ट में अपन को करंट मिलेगा ना, ये छोटा वाला पार्ट है इसके पार्ट में जितना करंट जा रहा है वही मिलेगा. लेकिन अगर मैं पूरा करंट ले लू तो इस पार्ट का पूरा करंट ये R के लिए मिलेगा मुझे. तो अगर आप R greater than R लिखते हो तो ये आएगा, R greater than R लिखते हो तो ये आएगा. Are getting my point? तो अगर आप लिख लेते हो R equal to R, अगर आप लिख लेते हो R equal to R, तो कैसे करेंगे, R equal to R case 2, R equal to R इसमें क्या आएगा बेटा, केस टू R equal to R में क्या आएगा आपका, B will be डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको ही, इस R की जगह डायरेक्टली R लिख दो, म्यू नॉट I अपॉन टू पाई R हो गया. ये दो केस ध्यान में रखो, हो गया, इसको नोट डाउन करके रखो क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं. हो गया बेटा, ठीक है. अभी क्या करेंगे, केस थ्री को ले लेते हैं, R लेस देन R, इस केस को बोलो वी आई एम पी, केस को क्या बोलने का, वी आई एम पी. ये कैसे करते हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए, मतलब चाहिए. तो R लेस देन R के लिए हमें पूरा करंट नहीं मिलेगा, अभी मैंने दिखाया आपको ये पूरा R है लेकिन मैं छोटा वाला R लिया हूं R लेस देन R, तो मेरे को पूरा करंट नहीं मिलेगा. अगर ये टोटल, इफ I इज इक्वल टू टोटल करंट थ्रू द कंडक्टर,
ठीक से देखो, अगर मैंने आई को लिखा टोटल करंट थ्रू द कंडक्टर, तो मेरे को ये करंट थ्रू आर, तो आई डैश विल बी करंट थ्रू, हाँ कितना सर, करंट थ्रू पोर्शन फॉर आर लेस देन आर, तो ये पोर्शन के लिए करंट कितना जाएगा वो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। अपना टोटल लिखा 2 पाई आर के लिए कितना बन गया मेरा, सॉरी टोटल, सॉरी 2 पाई आर नहीं, ये देखो इसको मैं हटा देता हूँ तो अच्छा हो जाएगा, अपन को मालूम है उसका वैल्यू मालूम है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, फॉर इसका एरिया कितना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर के लिए कितना आएगा, आई आएगा, और इसका मैंने छोटा निकल दिया छोटा पार्ट, इसको कितना बोलेंगे आर, तो उस छोटे पाई आर स्क्वायर के लिए कितना आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर के लिए कितना आई डैश, तो ये दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो मेरा आई डैश कितना बन जाएगा बेटा, ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आई डैश विल बी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई, बन गया बेटा। तो अभी ये वैल्यू ऑफ आई डैश हम उधर डालेंगे, तो मेरा बी डॉट डीएल कितना आएगा, बी डॉट डीएल विल बी म्यू नॉट इंटू आई डैश, समझ गया आप, मैंने कौन सा करंट यूज किया, जितना करंट उस इलेमेंट के अंदर से गुजर रहा था, इलेमेंट कौन सा पकड़ा, खाली आर लेस देन आर छोटा वाला, उसका अंदर का पीस पकड़ा मैंने, तो अंदर कंडक्टर के अंदर, तो आपको ध्यान में आया होगा व्हाट इट मींस, पायआउट सेवर्ट्स लॉ में हमने ऊपर ऊपर सब चीजें देखी थी, है ना बेटा, पायआउट सेवर्ट्स लॉ में हमने ऊपर ऊपर चीजें देखी थी, कंडक्टर के बाहर क्या होता है ठीक है, लेकिन अभी एम्पियर सर्किट यूज करने के बाद कंडक्टर के सरफेस पे एग्जैक्टली कितना होता है वो हमने देखा, बाद में कंडक्टर का अंदर का थोड़ा सा पोर्शन आप ले लो तो उस पोर्शन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी, वो दैट पॉइंट को कितना मिलेगा वो भी हम बता सकते हैं, तो कहीं तो कहीं पे भी योर एम्पियर सर्किट लॉ इज अ वेरी पावरफुल लॉ, बहुत पावरफुल है ये टूल, मतलब इसका एप्लीकेशन कितना करोगे आप उतना कम है, वो बाद में देखेंगे हम, ये तो एक सिंपल, ये क्या बोलते हैं, ये कंडक्टर ये झाकी है, अभी तो सब प्रॉब्लम्स बाकी है, ये तो एक झाकी है एक दिखाने के लिए, मेन मेन प्रॉब्लम्स तो अभी बाकी है, ओके तो देखो ये बन गया अभी, तो ये कितना बन जाएगा बेटा बी डॉट डी एल, तो बी लिखेंगे डीएल का कितना इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी टू पाई आर करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए टू पाई, एरिया लिखेंगे तो पाई स्क्वायर, क्योंकि करंट इस एरिया में से जा रहा है, लेकिन लेंथ एलिमेंट तो कौन सा पकड़ने वाले, खाली ऊपर ऊपर का वो जो है, इसके लिए टू पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, आई डैश की वैल्यू कितना आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं लास्टली, कहां पे लिखूं कहां पे लिखूं, तो यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, तो मेरा बी कितना बन गया, बी बन गया मेरा म्यू नॉट आई, अभी इसको हाँ और एक एक मिनट, और आई डैश है ना, मतलब इसको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, ओके ये आर स्क्वायर है, ये टू पाई इधर आया, ये आर भी इधर आया, मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये आर ने आर को काटा, तो लास्टली मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर, बन गया। सो इसको नोट डाउन करो, बाद में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मैं बताता हूं, तो इसको नोट डाउन करके लिखियो, ओवर ओके, तो अभी तो मेरे को क्या मिलेगा, सो आई गॉट द आइडिया दैट नंबर वन फॉर आर लेस देन आर मेरे को कितना मिल गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर, सेकेंड
फॉर आर इक्वल टू आर बी विल बी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर. और थर्ड वन मेरे को मिल गया फॉर आर लेस देन सॉरी आर ग्रेटर देन आर कितना मिल गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर. तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा समझ गए हाँ आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई मीन टू से जब आपका r लेस देन r है ये तो कांस्टेंट चलेगा आपका b बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू r. ये जब आपका म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर यहाँ पे b बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू r 1 बाय r और ये बन जाएगा 1 बाय r. तो आर गेटिंग माय पॉइंट. तो अगर मैंने सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ये आपको याद आना ही चाहिए आपकी याद में होना ही चाहिए अ ग्राफ ऑफ b वर्सेस r. तो इसको ये हटा दो वेक्टर वगैरह हटा देता हूं. b वर्सेस r कैसे दिखेगा जब r लेस देन r है तो कितना है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहां से यहां तक इसको बोलूंगा मैं r इज इक्वल टू r. इसको बोलूंगा r लेस देन r और इसको बोलूंगा r ग्रेटर देन r. आई होप आपको दिख रहा होगा नहीं तो इसको फिर से बना देता हूं. इसको बोलेंगे r इज इक्वल टू r. इसको बोलते हैं r ग्रेटर देन r. इसको बोलते हैं r लेस देन r. तो लेस देन r में ऐसा इधर मैक्सिमम और उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है. तो यहां पे क्या लिखोगे आप b प्रोपोर्शनल टू r. यहां पे लिखोगे b प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको ध्यान में रखना है ये ग्राफ को और अपने नोटबुक में उसको डालना है. तो ये ग्राफ आपको दिस ग्राफ इज वेरी वेरी मच यूजफुल इन ऑर्डर टू सॉल्व योर मेनी प्रॉब्लम्स. तो हमने सीखा हाउ वी कैन अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स सेंटर टू सरफेस और आउटसाइड. सो दैट वॉज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके यहाँ पे हमने कंडक्टर के लिए जो केस था वो पूरा किया है. Next lecture, we will be having the case for solenoid. We'll be having the case for solenoid for which we will have the Ampere circuit law once again and how it comes mu naught n I. वो भी हम सीख लेंगे. So thanks a lot for listening my lecture with concentration. इसके बाद मैं आपको शीट भी दे दूंगा एक दो दिन में. वंस अगेन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ एंड ऑल. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.